बिना पूंछ वाली लोमड़ी। एक दिन एक लोमड़ी बड़े मजे में जंगल में घूम रही थी। चलते चलते पत्थर पर उसे एक जाल दिखाई दिया। पत्थर पर शिकारी का जाल रखा हुआ था। लोमड़ी उससे खेलने लगी और खेलते खेलते उसमें उसकी पूंछ फंस गई। फिर लोमड़ी ने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की और काफी कोशिश के बाद वो निकल भी गई, लेकिन जाल में फंसकर उसकी पूंछ कट गई। पूंछ के बिना लोमड़ी बहुत अजीब लग रही थी और उसे बहुत दुख हुआ और शर्म भी महसूस हुई। लेकिन उसी समय उसे तरकीब सूझी। लोमड़ी ने जंगल में सभी लोमड़ियों की एक बैठक बुलाई। बैठक में सभी लोमड़ियों को देखकर वो बहुत खुश हो गई। जब वो उनसे कुछ कहने के लिए खड़ी हुई तो बाकी लोमड़ियां बिना पूछ के उसका मजाक बनाने लगी। उसे बात समझ में आ गई और उसने उन्हें चुप रहने को कहा। और फिर वो बाकी लोमड़ियों को ये बताने लगी कि उसने एक बहुत बड़ी खोज की है। उसने सबसे पूछा, ये बताओ पूछ का क्या उपयोग है? मुझे लगता है कि इसका कोई उपयोग नहीं है। इसके अलावा ये हमें बदसूरत बनाती है, इसीलिए मैंने अपनी पूछ कटवा दी। पूछ के बिना मुझे बड़ा हल्का हल्का सा लगता है और खेल कूद करने में भी बड़ा मजा आता है। मैं पहले से कहीं ज्यादा तेज दौड़ सकती हूँ, इसीलिए अपनी पूछ तुम सब भी कटवा लो जैसा कि मैंने किया। सब लोमड़ियों ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और उन सबको भी उसका सुझाव अच्छा लगने लगा। अब सारी लोमड़ियां उसकी बात से इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि वे अपनी पूंछ को बोझ समझने लगी और उनमें से ज्यादातर ने बिना देर की अपनी पूंछ काट देने का फैसला भी कर लिया। जब वो सब लोमड़ियां ऐसा करने ही वाली थी, ठीक उसी समय एक बुद्धिमान लोमड़ी खड़ी हुई और बोली, इस सलाह को मत मानो। ये लोमड़ी जाल में फंस गई और उसकी पूंछ कट गई। अब वह अजीब और बदसूरत लग रही है, इसीलिए ये चाहती है कि हम सब उसके जैसा दिखें। इस सलाह को बिल्कुल भी मत मानना। अब बुद्धिमान लोमड़ी की बात सुनकर सारी लोमड़ियां भी इस मामले पर सोचने लगी। उसी समय बुद्धिमान लोमड़ी ने फिर कहा, अपनी पूंछों को देखो, वे कितनी सुंदर है। प्रकृति ने हमें हर वो चीज दी है जो सुंदर और उपयोगी है। अगर हम अपनी पूंछ काट देंगे तो हमें इसके लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये बात सुनकर अब सभी लोमड़ियों को बिना पूंछ वाली लोमड़ी की चाल समझ में आ गई। अब उन सभी लोमड़ियों ने बिना पूंछ वाली लोमड़ी को बहुत डांटा और जंगल से चले जाने को कहा। असफल और निराश होकर वो लोमड़ी हमेशा के लिए जंगल से चली गई। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने आसपास के सभी लोगों को हमें मूर्ख नहीं समझना चाहिए। इस दुनिया में आपसे भी अधिक चतुर लोग होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब।